राम राम, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और आप देख रहे हैं ये पौधा जो है ये हॉट क्लाइमेट एप्पल का है और वैरायटी है एना। इस पौधे को मैंने दिसंबर 2021 में नॉनी YS परमार यूनिवर्सिटी से मंगाया था और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करा, लगभग 5 फीट हाइट पकड़ लिया है। तो दोस्तों, हमने इसकी कटिंग किस प्रकार से किया और इसको हम किस प्रकार से कैनोपी दे रहे हैं ये आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 8 महीने में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है और हमने इसको सिंगल ब्रांच रखा है, सेंट्रल लीडर जिसे बोलते हैं। ये देखिए, मेन ब्रांच जो है लगभग 2 से 2.5 फीट तक ऊपर सिंगल चलने दिया और उसके बाद एक शाखा जो है हमारी वो साइड में गई है लगभग 45 डिग्री एंगल पे। इस पर फ्रूटिंग लेंगे हम, इसको मेन ब्रांच नहीं मानेंगे, सेंट्रल लीडर अभी भी हमारा यही ये वाली ब्रांच है। उसके बाद लगभग 3 फीट की ऊंचाई पे 3 शाखाओं को हमने अलग अलग दिशाओं में रखा है और ये सभी 45 डिग्री एंगल पे हैं और इनमें भी काफ़ी अच्छे सपर्स जो हैं वो डेवलप होंगे और फ्रूट आएंगे। फिर उसके लगभग 1.5 फीट के ऊपर, लगभग 1 से 1.5 फीट के ऊपर फिर हमने 3 ब्रांच जो हैं उनको रखा है, वो भी 45 डिग्री एंगल पे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ब्रांच है ये और सेंट्रल लीडर अभी भी हमारा सीधा ऊपर की तरफ चल रहा है और इसी प्रकार हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। लगभग 3 ब्रांच हम 3 दिशाओं में अलग अलग लेते रहेंगे। इससे क्या है कि हमारा पौधा काफ़ी अच्छी कैनोपी डेवलप करेगा और अच्छी फ्रूटिंग देगा। ये हमारा जो है ये भी एना वैरायटी है और ये भी हमारा लगभग 8 महीने का पौधा है। इसे भी हमने YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी से मंगाया था। इसे भी हम सिंगल स्टेम के तौर पे ग्रोथ कर रहे हैं इसकी और आप देख सकते हैं कि जो हमारी साइड शाखाएं हैं इन पे जो जिन पे फ्रूटिंग होती है वो लगभग 45 डिग्री एंगल पे हैं और सेंट्रल लीडर आप देख सकते हैं, ये मेन सेंट्रल लीडर है। 4 ब्रांच आप ये गिन सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 ब्रांच हमने साइड में रखी हैं अलग दिशाओं में। और फिर लगभग 1.5 फीट बाद हमने फिर से 2 शाखाओं को रखा है, बल्कि 4 होनी चाहिए थी परंतु डेवलप नहीं हो पाई तो हमने एक यहाँ पर नॉचिंग की है, चाकू से कट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का सा निशान भर गया और ये इधर वाली जो बर्स थी ये खुलने लगी है। तो एक शाखा इधर और डेवलप हो जाएगी, लगभग 3 शाखाएँ फिर इधर डेवलप हो जाएंगी। फिर हम थोड़ा ऊपर चलेंगे लगभग 1 फीट की ऊँचाई पर इसके ऊपर और फिर यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा फुटाव नज़र आ रहा, तो यहाँ पर भी हम 3 शाखाएँ अलग अलग दिशाओं में रखेंगे और सेंट्रल लीडर को इसी प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ने देंगे। इस कैनोपी में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है और फल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।